आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक नंबर 8। इसमें मैं डिस्कस करूंगा एसिडिक MnO2 एसिडिक मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन टेक्निक 1 का एक छोटा पार्ट फिर है आपके सामने। फिर मैं लाया हूँ एसिडिक MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक 8 का पार्ट। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आप MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड कर लो। ये +4 आएगी, ठीक है भाई। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसका मतलब अगर आप +4 कहते हैं तो इसमें दो राय नहीं है, ये हाई ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ Mn है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा है, +4 है। अब होना क्या है, MnO2 जब एसिडिक मीडियम में जाता है H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो कुछ भी नहीं, ये Mn इस SO4 के साथ जाएगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, MnSO4 प्रोड्यूस करेगा, साथ में यहां पर H2O बन जाएगा प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा O, नेसेंट ऑक्सीजन O बनेगा। एक तरह से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है। अब केवल हमारे पास एग्जांपल्स बचते हैं, तो सबसे पहले मैं एसिडिक MnO2 एसिडिक सॉल्यूशन ले लेता हूं और इस एसिडिक MnO2 की रिएक्शन वही पुराना ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराता हूं। देखते हैं क्या होता है। MnO2 को आप एसिडिक मीडियम में लेते हो तो इस एग्जाम्पल में जो ये सेट हो गया वही काम करेगा, प्लस H2SO4 ये प्रोड्यूस करेगा क्या, MnSO4 प्रोड्यूस करेगा, प्लस H2O होगा और प्लस यहां पर O हो जाएगा। अब इस कंडीशन में H2C2O4 जो ऑक्सैलिक एसिड है वही पुरानी बात, ऑक्सैलेट चेंज होगा किसमें, CO2 में चेंज होगा, यहां पर O ले लेगा और ये बना देगा 2CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस कर देगा। इंटरमीडिएट कैंसिल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर दीजिए, O से O कैंसिल आउट हो रहा है तो ऐड करो। ऐड करने पर क्या बनेगा, MnO2 प्लस H2SO4, ये MnO2 प्लस H2SO4 प्लस क्या होगा, प्लस होगा H2C2O4, H2C2O4 ऑक्सीलेट है, ये बनाएगा क्या, MnSO4 बनाएगा, प्लस क्या होगा भाई, 2CO2 है, 2CO2 होगा प्लस H2O हो गया, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही पुरानी बात लग गई कि ऑक्सैलेट जो है ऑक्सैलेट CO2 में चेंज होगा, यही पुरानी बात एप्लीकेबल है कि हाँ ऑक्सैलेट CO2 में चेंज होगा। चलिए अब MnO2 की रिएक्शन में HCl से कराता हूं। MnO2 प्लस HCl जब करेंगे तो MnO2 प्लस HCl, अरे भाई मीडियम को एसिडिक HCl ही बना रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी हालत में मत घबराओ। MnO2 का एसिडिक मीडियम बना रहा है कौन, बना रहा है HCl बना रहा है। पहले H2SO4 इस्तेमाल करते थे, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में HCl इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर पहले MnSO4 बनता था वहाँ पर MnCl2 बन गया, प्लस H2O प्लस O हो गया। अब जो ये नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हुई है ये क्या करेगी, 2HCl, अरे भाई हैलाइड किसमें चेंज होता है भाई, हैलाइड चेंज होता है हैलोजन में, तो हैलाइड को आप हैलोजन में चेंज कर दो, कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। O से O कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, और अब क्या बनेगा, MnO2 2HCl, यहाँ पर 4HCl बनता है, ये बनाता है क्या, MnCl2 बनाता है, प्लस Cl2H2O बन जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो रिएक्शन हो गई हैं,
तीसरी रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि तीसरी रिएक्शन में क्या होगा। तीसरी रिएक्शन डिस्कस करते हैं कि तीसरी रिएक्शन में आखिर होना क्या है। हम देखते हैं बच्चों एसिडिक के MnO4 इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं FeSO4 यानी पैरासल्फेट के साथ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, MnO2 प्लस H2SO4 ये प्रोड्यूस करेगा क्या, MnSO4 प्लस H2O और प्लस प्रोड्यूस करेगा O। अब FeSO4 फेरस सल्फेट अस फॉर्म है, ये अस फॉर्म किस में चेंज होगा, अस फॉर्म चेंज होगा इक फॉर्म में, अस फॉर्म चेंज होगा इक फॉर्म में। जो फेरस है फेरस चेंज होगा फेरिक में, कैसे चेंज होगा, Fe2SO4 होल ट्राइस में फेरिक में चेंज होगा। ये आपका फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अस फॉर्म किस में चेंज हो रहा है, इक फॉर्म में चेंज हो रहा है, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा H2O। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ऐड करना है, ऐड करने से इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाएगा, O से O कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होना है आपका, MnO2 प्लस H2SO4, H2SO4 2H2SO4 प्लस यहां पर 2FeSO4, इसके साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगा, MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। अब देखो यहां पर क्या होगा भाई, H2O और H2O 2H2O बनके तैयार हो जाएगा। क्या हुआ है, अस फॉर्म चेंज हुआ है इक फॉर्म में, इसके सिवाय कुछ भी नहीं हुआ है, अस फॉर्म चेंज हुआ है इक फॉर्म में। चलिए देखते हैं, कुछ छोटे एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे कि कंसीडर करो कि हम MnO2 की रिएक्शन H2S के साथ करा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, MnO2 प्लस H2SO4 ये प्रोड्यूस करेगा वही पुरानी चीज, MnSO4 प्लस H2O और प्लस O, कहीं कोई परेशानी नहीं है। H2S प्लस O ये प्रोड्यूस करेगा H2O प्लस S। इंटरमीडिएट को कैंसिल करने के लिए आप ऐड कर दो, O से O कैंसिल हो गया, इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाएगा, और इंटरमीडिएट के कैंसिल होते ही क्या बनाएगा, MnO2 प्लस H2SO4 प्लस H2S क्या प्रोड्यूस करेगा, MnSO4 प्लस 2H2O प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, S। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हम कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।